क्या कर रही हो? साइकिल सीख रहे हैं। सुहाना का पापा सुहाना को साइकिल सिखा दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ बीमू एंड स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस बिम्बिक पर। यहाँ पे सुहाना खा रही है खाना, आप पापा भी खा रहे हैं और पापा भी खा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हाय बोलिए आप लोग। हाय, तुम भी बोलो हाय। आप बोलो हाय। हाय। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं शूट करने वाली हूँ एंड देखिए दोस्तों आज फिर से मैं साड़ी पहनी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। लाइव भी आई थी साड़ी पहन के कि यहाँ पे मैं साड़ी पहनी हूँ। कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। एंड क्योंकि आज हम लोग गाँव जाने का हमारा प्लान है तो अब हम अभी इस वक्त खाना खाकर कॉल करेंगे एंड कॉल करके घर में पूछेंगे कि कैसा हाल है, कैसा माहौल है, तो फिर हम घर जाएंगे। अगर अच्छा रहा, कुछ ठीक रहा तो हम आज शाम को घर जाएंगे एंड वहाँ पे बातें करेंगे। और कुछ काम भी है दोस्तों, माता रानी के गबर में भी जाना है, वहाँ पे भी काम है कुछ मंदिर में, तो वो काम वगैरह जितना भी यहाँ के काम है दोस्तों तो वो सब हम निपटा कर ही जाना चाहते हैं। तो इसलिए एंड क्या बोलते हैं, हम तो पापा से रिक्वेस्ट करने वाले, मम्मी को बोलेंगे कि पापा से रिक्वेस्ट करें कि जब तक ये सही तरीके से लॉकडाउन खुल ना जाए तब तक हमें कम से कम रहने दे। तो क्या बोलते हैं पापा, वो सारी बात आज कर लेंगे। अगर रहने दे तो हम यहाँ पे रहेंगे जब तक लॉकडाउन खुल ना जाए, अगर नहीं रहने दे तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ का गांव का काम भी है, मंदिर का आप लोगों को पहले से ही बताई हुई है। तो देखिए दोस्तों आज हम चलते हैं गांव। तो देखिए आज क्या क्या दिन में करती हूँ, आज मैं खुद ब्लॉग करने वाली दोस्तों मैं। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो अभी हम खाना खा लेते हैं, सुहाना का पापा और सुहाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हो बेटा, क्या क्या खा रही हो? फोपिया, फोपी दाल और चावल है ना। हाँ दोस्तों को भी दो, दो बोलो खाओ दोस्तों। खा जाता। हाँ ले 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 ले, आप खा लो। हाँ खा लिया, खा लिया। हाँ आप खाओ तो दोस्तों भी खा लेंगे। आप खाओ, खाओ खाओ खाओ। बोलो दोस्तों कैसा लगा? टेस्टी था ना? टेस्टी है। आपको कैसा लगा, टेस्टी है कि नहीं? टेस्टी है। हाँ तो टेस्टी है दोस्तों, आप लोग भी खाए, सुहाना आप लोगों को खिलाई है ना। तो ओके दोस्तों हम खाना खा के मिलते हैं। हमारा मोटर जो है वो खराब हो चुका है। देखिए सुहाना के पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ना, मोटर खोल रहे हैं आप लोग। क्या कर रहा है? मोटर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मोटर 8-10 दिन से क्या हो गया है, खराब हो गया है, पानी नहीं दे रहा है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हाई करिए। अरे पानी नहीं धोने से। यहाँ पे आओ सुहाना, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ ना, यहाँ पे देखो। हम मम्मी के साथ बात किए, सुहाना मैं, सुहाना के पापा, हम सारे लोग मम्मी के साथ बात किए। तो मम्मी ने क्या बताई, मम्मी बोली कि नहीं आने के लिए। तो थोड़ा सा बात किए ये सुहाना और सुहाना के पापा बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा शूट कर ली हूँ अपने फ़ोन से बैक कैमरे से। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर दिखा दूँगी जहाँ पे सुहाना और सुहाना अपनी दादी माँ से बात कर रहे हैं और सुहाना का पापा भी अपने मम्मी जी से बात कर रहे थे, वो रिकॉर्ड की थी मैं, तो आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों सारी हम घर जाने के लिए सोचते नहीं जा पाएंगे, मेरे माँ ही आ रही हैं। तो आप सभी से पहली बार मुझे मौका मिलेगा कि आप सभी से अपने माँ से मिलवाएंगे और उनसे भी, वो तो शायद ही बोल पाएंगे हिंदी लेकिन समझती है लेकिन बोल नहीं पाएंगी। हाँ तो आप लोगों से मिलाएंगे दोस्तों मम्मी जी को, और हम घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि मम्मी जी बोली कि मैं ही यहाँ पे आऊँगी, यहीं पे बात करेंगे करके। तो मम्मी जी आएंगी यहीं पे और हम यहीं पे बात करेंगे, घर नहीं जा पाएंगे अभी। और मम्मी जी बोली कि तब तक यहीं पे रहो, हम मैं आती हूँ तो फिर बात करते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम नहीं जा पाए। और मम्मी जी ये भी बोली दोस्तों कि यहाँ से नहीं जाने के लिए है ना। मम्मी जी बोली कि मत जाओ, अगर वहाँ पे पापा आके आप लोगों को निकाल दे, सामान वगैरह फेंक दे तो फिर कुछ करना। जब तक फ़ोन करके बोल रहे कि जाओ जाओ जाओ, तो जैसे फ़ोन कर रहे आप सुन लो और रहो वहाँ पे, ऐसे करके मम्मी जी बोली कि मैं आती हूँ बात करती हूँ और फिर ऐसे कुछ बोली मम्मी। तो इसलिए हम अभी नहीं जाएंगे, आप लोगों को बता दे रहे हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि जाने वाले थे तुम लोग तो क्यों नहीं गए, तो इसलिए हम नहीं गए दोस्तों, घर जाने वाले थे बट नहीं गए। बट लेकिन हम जाने वाले हैं दोस्तों, जाएंगे ही, देर हो देर सवेर तो हमें तो जाना ही है। बट अभी बोली मम्मी जी नहीं जाने के लिए तो नहीं जाएंगे। एंड अभी हम जा रहे हैं बाजार दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं सुहाना के पापा साइकिल निकाले। मम्मी जी ही बोली कि मोटर को ठीक करवा लेना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मोटर खराब हो चुकी है, तो मोटर को हम ठीक करवाने ले जा रहे हैं बाजार। तो आप लोग आइए दोस्तों,
आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे बाजार जाके। तो हम बाजार के लिए निकल चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखिए सुहाना साइकिल सीख रही है। क्या कर रही है बेटा लाल? आगे देखो, आगे देखो, आगे 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 देखो। साइकिल सीख रही है सुहाना। सुहाना का पापा साइकिल सिखा दे रहे हैं सुहाना को। सुहाना साइकिल सीख रही है ना बेटा? क्या कर रही हो? साइकिल सीख रहे है। सुहाना का पापा सुहाना को साइकिल सिखा दे रहे हैं, है ना? है कि नहीं? हाँ है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सुहाना फीलिंग गुड गुड, साइकिल सीख रहे इसलिए सुहाना फीलिंग गुड गुड, है ना बेटा? आपको पता है दोस्तों, मैं तो आज ये सोचकर भी साड़ी पहनी थी कि मम्मी जी से बात करेंगे, अगर मम्मी जी बोली कि सब ठीक है आ जाओ घर तो चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मम्मी जी बोली कि मत आओ, तो कोई ना, हम वीडियो ही बना लेते हैं साड़ी पहनकर। और आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहता है कि साड़ी पहनकर कभी कभी वीडियो बनाइए, तो साड़ी पहन लिए, है ना? और ये साड़ी थोड़ा सा प्लेन भी है, हल्का भी है, तो इसलिए पहनने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और सुबह में जो ब्लाउज लगाई थी मैं ब्लैक कलर का, वो बहुत ज़्यादा मोटा है, थिक है, तो इसलिए गर्मी बहुत हो रही थी। तो अभी मैं देख सकते हैं आप लोग, चेंज कर ली हूँ, ये है कॉटन का सूती का, तो ये मैं पहन लिए हूँ। तो क्या दोस्तों, चलते हैं अभी बाज़ार। फाइनली हम पहुँच चुके हैं दुकान में, और यहाँ पे जो वाइट कलर के टी शर्ट वाले देख रहे हैं आप, जो विकास जी के जस्ट अपोजिट में है, वो हमारा दोस्त है, स्कूल का फ्रेंड, तो इसलिए मैं कैमरा में नहीं आ रही आगे वाले कैमरे से, मैं पीछे वाले कैमरे से दिखा रही हूँ दोस्तों। और मैं दूर हूँ तो इसलिए उन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि मैं वीडियो कर रही हूँ। ओके, तो दोस्तों हम मिलते हैं फिर, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है मोटर में और कितने ज़्यादा पैसे लगेंगे। ये बहुत हंस हंस के मोटर को चेक कर रहे हैं हमारा दोस्त, पता नहीं कितने पैसे लेंगे या नहीं लेंगे, क्या करेंगे। दोस्तों हम बाज़ार से आ चुके हैं, एंड यहाँ पे देखिए ये आम लाई हूँ मैं अचार बनाने के लिए। थोड़ा आम को अचार बनाऊंगी, एंड थोड़ा जो रहेगा उसको, एक मिनट दोस्तों मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ। सुहाना कुछ कह रही, क्या कह रही हूँ? और यहाँ पे सुहाना और सुहाना के पापा आलू चप भी लेकर आई, यहाँ पे देखिए आम लेके आई है दोस्तों, इसको अचार बनाऊंगी थोड़ा, आधा को एंड आधा को पका कर खाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मोटर है, ये ठीक होकर नहीं आया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, बट ठीक नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम था ये सुहाना का पापा ही जानते, क्योंकि मैं आम लेने चली गई थी एंड सुहाना का पापा जो है वो मोटर के पास थे, तो ठीक नहीं हुआ दोस्तों। तो इसलिए देखिए कॉल को भी खोल दिया है, तो वहाँ से आज पानी नहीं हो सकता, तो सुहाना के पापा पानी लाने गए हैं बगल में, है ना बेटा? बाजू वाली आंटी के घर में गए हैं पानी लाने के लिए। तो कि दोस्तों पानी लाते, बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी है, तो पहले पानी पीऊँगी तो फिर देखते हैं। और ये आम जो है दोस्तों, इसको आज ही काट के देना पड़ेगा पानी में, नहीं तो ये पक जाएगा, वो आंटी बोली जिससे लिए हमने, तो इसे काटते वक्त मिलती हूँ दोस्तों। अभी रात के 10 बज रहे हैं, सुहाना बेबी सो चुकी है दूध और रोटी खा के, एंड सुहाना के पापा जो है वो खा रहे हैं। क्या क्या खा रहे हैं आप बोलिए? सुहाना का पापा नहीं बोल सकते, यहाँ पे दुख रहे हैं। हम लोग गए थे डेंटल जाएंगे करके, बट वहाँ पे मोटर ठीक कराते कराते मोटर में टाइम लग गया, मोटर भी ठीक नहीं हुआ है। हुआ पता नहीं, सुहाना का पापा आज बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं और उनका बोलने का मूड भी नहीं है। और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करने आई, आज दिन में मैं क्या क्या किया, और मैं खुद शूट की हूँ आज, क्योंकि सुहाना के पापा का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आम लाई थी, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो आम लाई थी, तो उसको कट कर ली हूँ मैं अचार के लिए, क्योंकि जहाँ पे आम ले रही थी वहाँ पे एक आंटी बोली थी कि अभी ही जाके इसको कट करके पानी में 2-3 घंटे रख के भिगो कर इसको निकाल लेना, नहीं तो ये रात भर में पक जाएगा। तो सही था वो दोस्तों, वो आंटी सही थी, क्योंकि देखिए ये जो आम है ये येलो येलो टाइप का होने लगा है, पता नहीं रात भर में ये और भी ज़्यादा पक जाते, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए बना ली हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं बनाई दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा भी लगने लगा है, तो इसलिए ये 2-3 किलो ही होंगे। और सुहाना का पापा भी ये आम खाते हैं, मालदा आम बोलते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए सिर्फ इतना आम को ही अचार बनाऊँगी मैं, और ये अगर अच्छा बन गया तो फिर दूसरे आम को लाऊँगी और उसको बनाऊँगी अचार।
तो ये फर्स्ट टाइम इतना को ही सिर्फ ट्राई कर रहे हैं दोस्तों। तो ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लव यू ऑल।